हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ होली स्पेशल मालपुआ की रेसिपी, जो मैं आटे से बनाऊँगी, गेहूं के आटे से। मालपुआ दो तरीके से बनता है, एक सीरे में डूबा हुआ बनता है, एक बगैर सीरे में डूबा हुआ बनता है। तो दोस्तों, मैं बगैर सीरे की मालपुआ की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जो बहुत ही ईजी और आसान होगी। उसके लिए मैंने क्या क्या लिया है ये आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक चम्मच सौंफ लिया है, मालपुए में सौंफ का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और ये एक चम्मच खरबूजे के बीज हैं, मगज के बीज हैं। और ये दो चम्मच मैंने नारियल लिया है, जिसको मैंने इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया है। एक कप मैंने गेहूँ का आटा लिया है, और टेस्ट के हिसाब से चीनी लिया है मैंने। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको कितना मीठा पसंद है और कितना नहीं। तो चलिए बनाते हैं। और हाँ दोस्तों, मालपुए का जो घोल है, हम दूध, आधा दूध और आधा पानी से तैयार करेंगे। आप पूरा दूध भी ले सकते हैं और पूरा पानी भी, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। तो मैं आधा दूध और आधा पानी का इस्तेमाल करूँगी। देखिए, मैंने ये आधा ग्लास दूध लिया है। तो चलिए इस घोल बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में डाल देते हैं आटे को। आटा मेरा साफ़ है, छना हुआ आटा है। अगर आपका आटा साफ और छना नहीं है, तो आप उसको अच्छे से छान लीजिए। और इसका बैटर बनाने के लिए मैंने इस तरीके से एक मिक्सर लिया है, इसी से हम अपना घोल बनाएंगे। अब हम डाल देंगे चीनी को इसमें। थोड़ी सी चीनी मैं बचा ले रही हूँ, इसको डाल के मिला देते हैं अच्छी तरीके से। अब दूध को डालते हुए इसका एक बैटर तैयार करेंगे, जैसा हमारा इडली या डोसे का होता है, उस तरीके से इसको हम तैयार करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको हम अच्छे से घोल के तैयार करेंगे। दूध मैंने डाल दिया है, अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका घोल बना लेंगे। इसको जितना ही फेंटेंगे फ्रेंड्स, उतना ही हमारा जो पुआ होगा, मालपुआ, वो अच्छे से फूलेगा तेल में जा कर के। अब इसमें हम डाल देते हैं अपने ये सारे मेवे को, जो भी मेवा हमारे पास है वो डाल देंगे हम इसमें। सौंफ मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने अपना सौंफ बचा लिया है। अब इसको अच्छे से घोल लेंगे, खूब 5 से 10 मिनट खूब अच्छे से इसको फेंटेंगे, बहुत बढ़िया से फेंटेंगे। ये देखिए, इसको आधा घंटा, हम लोग आधा से एक घंटा रेस्ट के लिए रख देंगे। एक घंटे बाद हम इसका मालपुआ बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, एक घंटा हो गया है। एक घंटे बाद हम अपने बैटर को देख लेते हैं। ये देखिए, जब मैंने इसको घोला था तो ये हल्का सा पतला है। ये जैसे एक घंटे में ये आटा जो हमारा है फूल के अच्छे से गाढ़ा हो गया है। इसको थोड़ी देर और फेंट लेते हैं, 1 से 2 मिनट, उसके बाद हम लोग पुआ बनाएंगे। तेल हमारा गर्म हुआ कि नहीं, इसको हम चेक कर लेते हैं इस तरीके से बैटर डाल के। ये देखिए, ये ऊपर आ गया, इसका मतलब तेल हमारा बिल्कुल तैयार है तलने के लिए। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही तेल हमको चाहिए मालपुआ बनाने के लिए। तो हम अपने बैटर को इस तरीके से कड़छी में लेके एक ही जगह एकदम बीच में इस तरीके से गिराएंगे। और ये जब बन जाएगी तो अपने आप ही ऊपर आ जाएगी। ये देखिए, ये फूल रही है, इसका मतलब हमारा जो बैटर है बहुत अच्छे से मिला हुआ है, बहुत अच्छे से फेंटा है मैंने इसको। जितना अच्छा हम बैटर फेंटेंगे, उतना ही अच्छा हमारा जो पुआ होगा वो फूलेगा। ये देखिए, ये फूल गया है। और इसके हम ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल इस तरीके से उछाल देंगे, ताकि ये बीच में भी अच्छे से पक जाए। यूपी और बिहार में ये होली पे हर घर में बनाई जाती है दोस्तों। आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार हो गई है एक तरफ से। अब इसको हम दूसरी तरफ पलट देंगे इस तरीके से। ये देख रहे हैं, हमारा बहुत ही अच्छा फूला फूला सा पुआ तैयार हो रहा है।
इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इस तरीके से आंच को मीडियम ही रखेंगे। देखिए दोस्तों, अब ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। इस तरीके से किसी भी जाली वाली पे आप निकाल लीजिए, जाली या प्लेट पे, जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पे इस तरीके से हम निकाल लेंगे। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। सेम वही प्रोसीजर, बीच में इस तरीके से हमको गिराना है एक ही डायरेक्शन में, और इसके ऊपर आने का इंतजार करना है। अब बीच में इस तरीके से इसके ऊपर तेल उछाल सकते हैं, इससे इसको पकने में मदद मिलेगी। देखिए मैं तेल उछाल रही हूँ और ये फूलती जा रही है। देखिए ये बहुत अच्छे से फूल गई। अब इसको हम लोग पलट देंगे दूसरी तरफ। इसको पका लेते हैं ऐसे ही। ये देखिए दोस्तों, दूसरा वाला भी मेरा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। ये देखिए, अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। इस तरीके से थोड़ी देर इस तरीके से कड़छी को हम रोक देंगे, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा तेल होगा वो कढ़ाई के अंदर चला जाएगा, और इसको बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये दिखा देती हूँ ये कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए, ऐसे ही इसका नाम मालपुआ नहीं है, ये देखिए है ना, एकदम मलमल के जैसा, एकदम गुजगुजा सा, रुई की तरह सॉफ्ट है दोस्तों। और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। मैं आपको इसको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं, अंदर से देखिए इसकी जाली जाली सी बनी है। ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कि ये अंदर से एकदम अच्छे से पक चुकी है। तो दोस्तों देखिए, मेरी होली स्पेशल मिठाई मालपुआ बनकर बिल्कुल तैयार है। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मैं मिलती हूँ एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।